फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला गोली इडली। ये दिखने में जितनी अच्छी हैं, खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगती हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर यू क्रिएशंस। सूजी बोल्स बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ खूब सारा करी पत्ता ऐड करेंगे। इसमें करी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ इसमें बहुत सारा डाला है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में उबाल आने तक इनको पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी ले सकती हैं। इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सूजी अच्छे से पानी में मिक्स हो गई है, अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यह हमारा हल्का ठंडा हो गया है, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब हम इसको एक आटे की तरह गूंथ लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अगर ये आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा करके भी ये बॉल्स बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके की बॉल्स बनानी है कि चलिए मैं फ्रेंड्स आपको एक और बॉल बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे। हमारी सारी बॉल्स बन गई हैं, अब हम इनको स्टीम करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी ये कर सकते हैं। इसमें हम बीच में एक कटोरी रखेंगे और ऊपर से एक स्टैंड रखेंगे, जिससे प्लेट को सपोर्ट मिल सके। आप प्लेट से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक छलनी लेंगे, जिसे छेद वाली प्लेट भी कहते हैं। इसको ऑयल से या घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। आप छलनी को इसमें सेट करेंगे और अपनी सूजी बॉल्स को इसमें रखेंगे। इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीस मिनट हो गए हैं और हमारी बॉल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर हम आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे।
एक छोटा चम्मच राई के दाने ऐड करेंगे। राई के चटक जाने के बाद इसमें 10 से 12 करी पत्ते ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। इन सबको धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप सांभर मसाला नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, या आप इसको बिना मसाले के भी बना सकते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। पानी डालने से मसाला जलेगा नहीं और ये अच्छे से भुन जाएगा, इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। मसाले को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें अपनी सारी बॉल्स ऐड कर देंगे। इसको हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सूजी बॉल्स बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम गोली इडली भी कहते हैं। इसको आप नारियल की चटनी, धनिया की चटनी किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।